नमस्कार, मैं हूं अंशली तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग को 4 मौजूदा जिले में से बनाए गए 9 जिलों में 15 सितंबर तक स्थानीय निकाय के चुनाव कराने का बीते मंगलवार को आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने दलील दी है कि 2019 के आदेश को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव को प्राथमिकता दी गई थी और बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद पीठ ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। वहीं नरसिम्हा ने कहा कि राज्य में अब भी कोविड-19 संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और इसीलिए इन 9 जिलों में चुनाव कराने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि कोरोना वायरस आजकल हर दूसरे मामले में बहाना बन गया है और यदि चुनावी दलों की इच्छा हो तो अच्छी तरह चुनाव कराए जा सकते हैं। पीठ ने कहा है कि बेहतर होगा कि आप 15 सितंबर तक चुनाव करा लें, अन्यथा हम अनुपालन नहीं करने को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देंगे। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को 15 सितंबर तक स्थानीय निकायों के चुनाव कराने और परिणाम घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करनी होगी। पीठ ने कहा कि 11 दिसंबर 2019 को शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश का जिक्र किया गया और कहा कि TNSEC। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।